अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको गुम सिलाई फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। ये तकरीबन एक साल की बच्ची का फ्रॉक है। देखिए आप, इसकी वेड मैंने 29 इंचेस, लेंथ 20 इंच 12 इंचेस और इसके कॉर्नर जो है वो 2.5 इंचेस जो है कट करके अंदर की तरफ मैंने फोल्ड किए हैं और इसको ऊपर की तरफ से डीप शेप अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा डीप कटिंग कर लेनी है ताकि जब हम सिलाई करें तो उसको नीचे से फ्रिल सही आए। फिर ये देखिए आप, इसकी चेस्ट है, इसको चेस्ट शोल्डर से 11 इंचेस और इसकी चेस्ट की लेंथ 7 इंचेस है, नेक 3 इंचेस और नेक की वेड 4 इंचेस मैंने रखी है। इसको राउंड शेप में कट कर लेना। ये बाजू के लिए फ्रिल है, 18 इंचेस इसकी लेंथ और 3 इंचेस इसकी वर्थ है। इस पर यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको अटैच करने के लिए बनाएंगे। ये देखिए, अब इसकी जो चेस्ट है, इसके 4 पीसेस थे, इस 4 पीसेस को 2-2 पीसेस को आपने अलग अलग करके अटैच कर लेना है, क्योंकि ये गुम सिलाई वाला फ्रॉक है इसलिए इसके 4 पीसेस तैयार करने हैं आपने इसकी चेस्ट के। अब इसके बाजू की जो स्ट्रेट साइड है उस साइड पर आपने सिलाई लगा लेनी है। जो राउंड शेप है उसको पीको करवाया हमने, उस साइड पे नहीं लगानी है। इस साइड पे सिलाई लगाकर आपने इसके धागे को खींचकर इसको चुनट लगा लेनी है अच्छे से। जितना आपके शोल्डर का साइज होगा आपके बच्चे की फ्रॉक का, उतनी ही आपने ये चुनट जो है इनको मेजर करके कर लेना और दरम्यान से आपने कट लगा लेना है। अब आपने इसकी जो घेर है उसको चुनट लगानी है, उसको चुनट इस हिसाब से लगानी है कि आप आपकी जो चेस्ट है इस पर आपने पहले शोल्डर के लिए जो आपने फ्रिल रेडी की है उसको मेजर करके आपने शोल्डर जितनी मेजर करनी है वो फ्रिल, फिर आपने चेस्ट पर निशान लगा लेने हैं। इसके अलावा जितनी भी राउंड में चेस्ट है आपकी उतनी आपने इस फ्रिल में जो है चुनट लगा लेने हैं, उसको बिल्कुल बराबर आए आप देख लें जितने आपके बराबर आ रहे हैं। उसके बाद फिर आप जो है इसको अटैच करेंगे इसके ये फ्रिल को, बाजू वाली को और इसकी गियर को चेस्ट के साथ। इसके लिए आप ये देखें, दो कपड़े जो हमने इकट्ठे किए थे अटैच किए थे, इसको ऐसे इस तरह रख लेना है आपने और जो आपने निशान लगाया था कट का मिड में वो ये फ्रिल का, बाजू वाली फ्रिल का, वो आपने दरम्यान में रखना है, ऊपर से दूसरा कपड़ा रखना है जहां पर आपका ये जोड़ है। पर आपने तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगाते जाना है। अंदर की तरफ ये रखना है आपने फ्रिल भी, और जहां पर ये फ्रिल खत्म होगी क्योंकि आपने पहले से ये मेजर किया हुआ है तो इसलिए आपके मेजरमेंट के हिसाब से ये बिल्कुल पूरी आएगी। अब आपने इसके कपड़े का राइट और जो है साइड देख लेनी है, ये ना हो कि आप फ्रिल की उल्टी और सीधी साइड जो है वो रखते जाए, सबकी एक ही साइड पे आप रखेंगे तो ही आपका सही आएगा फ्रॉक की लगाते वक्त। ये जहां पे आपकी फ्रिल खत्म हुई है वहीं से आपने ये घेर जो है वो स्टार्ट कर लिया है, तो साथ साथ भी चुनट लगा सकते हैं लेकिन वैसे मुश्किल होगा, आपकी बड़े और छोटे चुनट आ सकते हैं। इस तरह पहले से चुनट लगे होंगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। जैसे ही आपका ये घेर खत्म होता है तो आपने ये देखिए दरमियान से आपने फिर भी उस शोल्डर के दरमियान से आपने दोबारा से मेजर कर लेना है, करके आपने जहाँ वो एंड उसका हो रहा है वहां पर उसको खत्म कर देना है घेर को, और फिर आपने दूसरे बाजू को शुरू करना है। ऐसे ही गुलाई में आप रखकर ये सिलाई आपकी अंदर की तरफ आ जाएगी, ऊपर नजर नहीं आएगी और इसको गुम सिलाई वाला फ्रॉक कहते हैं। पहले पर पाइपिंग लगाएंगे, पाइपिंग पर हम अंदर रख के लगाते जाएंगे। ये देखिए गुलाई में चारों साइड पे चेस्ट के हमने जहां पर हमारा एक बाजू खत्म होना है फ्रिल जो है तो वहीं पर हमने दूसरी घेर की जो है वो चुनट स्टार्ट कर लेनी है। ऐसे ही हमने चारों साइड से लगा लेनी है। ये आप कपड़ा अंदर रखते जाएंगे और साथ साथ लगाते जाएंगे। ये देखें चारों साइड से हमारा फ्रॉक जो है वो रेडी हो गया, सीधा कर लेंगे। ये गुम सिलाई का फ्रॉक है, सिलाइयाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही इसके अंदर है। अब हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने का मेथड मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, बहुत ही ईजी है। अगर आपको सीखना है तो आप हमें कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको तफसील से आपको बता दूँगी। ये पाइपिंग लगा कर हमने इसको रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो फूल लगाएंगे। ये नीचे की है फ्रिल जो है तकरीबन 2.5 इंच का मैंने पट्टी ले ली है और उसको डबल फोल्ड करके आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके और आधा इंच बाहर की तरफ। अब हम फूल के लिए तकरीबन 2.5 इंच तक ये कपड़ा हमने लिया है चौड़ा। जितना ही बड़ा आप फूल बनाना चाहती हैं इसको पिन से इसकी सिलाई लगाकर इसको खींच कर चुनर डाल लें, और कोई भी मोती जो पड़ा था घर में मैंने लगा दिया है। इसके लिए बिब मैंने पहले से तैयार किए हुए थे, ये भी बहुत इजी है। अगर आपने ये आपको नहीं बनाना आते तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको सिखाऊंगी। ये देखिए फूल मैंने अटैच कर दिया है, ये गुम सिलाई वाला फ्रॉक हमारा रेडी हो गया है और ये इसकी फ्रंट साइड है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।